हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉलेज साथी चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप जेई का एग्जाम दे रहे हो तो उसी से रिलेटेड आज का ये वीडियो होने वाला है कि बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा है जो आपको जेई मेंस के काउंसलिंग के थ्रू वहां पे आपको एडमिशन मिलने वाला है। क्योंकि आपको पता होगा कि जेई मेंस का जो स्कोर होता है उससे जो काउंसलिंग होती है उससे बहुत सारे इंस्टीट्यूट, बहुत सारे यूनिवर्सिटी होती है जो उस नंबर को एक्सेप्ट कर रही होती है, उसके थ्रू एडमिशन दे रही होती है, जिसमें 31 NITs है, 25 IIITs है और CFTIs है, सेंट्रल फंडेड यूनिवर्सिटी जिसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे भी गवर्नमेंटल है जो आपको जेई मेंस के बेसिस पे आपको वहां पे एडमिशन मिल जाता है, उसी के नंबर के बेसिस पे आपका काउंसलिंग होता है उस इंस्टीट्यूट का, तो उसी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना। और उससे पहले, इस चैनल पे आप नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे हम रेगुलर बेसिस पे लेके आते रहते हैं जेई मेंस के अपडेट्स। एंड आपको अगर इंजीनियरिंग में फिर अदर कोर्सेस में एडमिशन लेना है तो उससे रिलेटेड बहुत सारे कॉलेजेस है, उसका रिव्यू, कैंपस, स्टूडियो, सारा कुछ इस चैनल पे लेकर आता हूं। तो मैं इसके बारे में बात कर रहा था कि कौन ऐसे इंस्टीट्यूट है इंडिया के अंदर जहां पे आपका एडमिशन होगा जेई मेंस के रैंक और परसेंटाइल के बेसिस पे। तो आपको जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जो 31 NITs के अंदर आपको एडमिशन मिलता है उसका जो काउंसलिंग होता है, सेकंड आपका जो एग्जाम हो जाएगा सेकंड सेशन का, उसके बाद उसका काउंसलिंग स्टार्ट होता है, वो चीज आपको NTA के वेबसाइट प्लस आपको इस चैनल पे भी देखने को मिलता रहता है। NITs हो गया और IIITs हो गया और GFTIs हो गया, ये सब आपको जोसा काउंसलिंग जिसको बोलते हैं उसके थ्रू वहां पे आपको एडमिशन मिलता है। उसके अलावा आपको पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी हो गया, PTU उसको बोलते हैं, उसके बाद हो गया PEC चंडीगढ़, IISc बैंगलोर जो कि रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसको हम बोलते हैं वहां के लिए बहुत फेमस है, उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी तिरुवनंतपुरम वाला है, वहां के लिए हो गया। तो ये सभी जगह का आपको काउंसलिंग जेई मेंस के रैंक के बेसिस पे होगा। तो मेक श्योर करना कि आपका अगर एक सेशन में आपने एग्जाम नहीं दिया है तो आप सेकंड सेशन में अच्छा करने की कोशिश करना, जहां पे आपका अच्छा मार्क्स आए, तो ये बहुत सारा ऑप्शन आपके लिए ओपन हो जाएगा जो कि एक बेस्ट इंस्टीट्यूट के अंदर सब आते हैं। अगर दिल्ली NCR की बात करो तो DTU हो गया, NSIT हो गया, उसके बाद IGDT हो गया वुमेन्स के लिए, तो जो गर्ल्स हैं उनके लिए IGDT बेस्ट कॉलेज है दिल्ली NCR के अंदर जो आपको जेई मेंस के थ्रू वहां पे एडमिशन होता है। उसके बाद बात करो जामिया, तो आपको जामिया में एडमिशन होगा जेई मेंस के रैंक पे ही होगा, बट उसका अलग से फॉर्म फिल करना पड़ता है और वहां से काउंसलिंग होता है, तो वहां पे भी आपको एडमिशन लेना है तो जेई मेंस में अच्छे परसेंटाइल होने चाहिए। तो जितने सारे मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूं सबका मैं एक कट ऑफ लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, वहां पे मैं ये लिस्ट को प्रोवाइड। उसके बाद एक और यूनिवर्सिटी आती है IPU, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी इसको बोलते हैं, यहां इसके अंदर बहुत सारे कॉलेजेस है, गवर्नमेंट कॉलेजेस भी है और प्राइवेट कॉलेजेस भी है, तो वहां पे आपको बेस्ट कॉलेज लेना है तो उसके लिए आपका थोड़ा सा रैंक ठीक ठाक होना चाहिए, अदरवाइज फिर उससे अफिलेटेड बहुत सारे कॉलेज है जहां पे आपका एडमिशन हो जाता है अगर आपका ज्यादा भी रैंक है तो ये चीज आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका कितना रैंक है और कैसे आप एडमिशन ले रहे हो। उसके बाद एक यूपी का बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है जिसको हम लोग AKTU बोलते हैं, बहुत सारे लोग इसको UPTU के नाम से भी जानते हैं, इसके अंदर बहुत सारे कॉलेजेस है जो दिल्ली NCR के अंदर भी है या फिर अदर अदर डिस्ट्रिक्ट में भी है यूपी के, तो उसका भी जो इनटेक होता है, उसका भी जो आपको वहां पे एडमिशन प्रोसेस की बात करो तो वो यूपी टैग करके काउंसलिंग होता है या UPSEE काउंसलिंग होता है, उसके थ्रू वहां पे आपको एडमिशन मिलेगा, उसके लिए भी आपको जेई मेंस के रैंक के बेसिस पे ही होता है। तो जैसे आपने बहुत नाम सुना होगा अगर प्राइवेट कॉलेज की बात करूं तो JSS नोएडा, गलगोटिया, GL बजाज, तो ये सब उसी काउंसलिंग के थ्रू आपको मिलने वाला है। उसके बाद और कुछ हम टॉप प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें जहां पे आपको जेई मेंस में अगर आप ठीक ठाक रैंक है तो इजीली वहां पे एडमिशन मिल जाएगा, अदरवाइज आप डायरेक्ट जाते हो तो एक डोनेशन अमाउंट वहां देना पड़ता है, क्योंकि आपका जो 4 साल का फी रहने वाला है उसके अलावा वहां पे एडमिशन के लिए वो लोग चार्ज करते हैं, अगर जेई मेंस में अच्छा परसेंटेज है तो आपको वहां पर डायरेक्ट काउंसलिंग के थ्रू हो जाएगा। तो उसकी लिस्ट में बात करूं तो अमृता हो गया, SRM हो गया, UPEH हो गया, बेनेट हो गया जो कि नोएडा में है, गलगोटिया कॉलेज हो गया जो कि ग्रेटर नोएडा में, उसके बाद शस्त्रा यूनिवर्सिटी हो गया, उसके बाद मणिपाल यूनिवर्सिटी हो गया, उसके बाद निर्मा यूनिवर्सिटी हो गया, थापर हो गया, LPU हो गया, ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, इसके बारे में हम एक एक करके हम रिव्यू लेके आते रहेंगे इस चैनल पे। तो एक ओवरव्यू मैं आपको बता रहा हूँ जहाँ पे आप एडमिशन के लिए क्या प्रोसेस रहने वाला है। तो ये जो भी हमने इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी की बात की यहाँ पे आपको अलग से फॉर्म फिल करना पड़ेगा, तो आप इसका डेट जाके इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक कर सकते हो कि इनका काउंसलिंग जेई मेंस के थ्रू जो करने वाले उनका कब एप्लीकेशन स्टार्ट होगा और कब तक वो चलेगा और कैसे काउंसलिंग प्रोसेस होगा, ये सभी यूनिवर्सिटी के अपना अपने जो ऑफिशियल वेबसाइट होता है उसको अपडेट डालते रहते हैं। प्लस इससे आपको ये भी बेनिफिट होगा कि अगर आपका जेई मेंस में बेस्ट अच्छा परसेंटाइल है, अगर आप NIT तक नहीं पहुंच पा रहे हो, फिर NIT जा रहे हो, लो लेवल का कोई NIT है, ठीक है, उसको छोड़ करके कोई टॉप प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हो, तो वहां पे आपको एक अच्छा सा स्कॉलरशिप मिल जाएगा, ठीक है। और मेरा भी यही सजेशन रहता है कि आप
सबसे लोएस्ट NIT में जाओ, ठीक है, एक टैग के लिए। उससे बेटर रहेगा कि आप टॉप प्राइवेट इंस्टीट्यूट के अंदर जाओ, वहाँ पे आपको बहुत ज्यादा एक्सपोजर मिल जाएगा, जिससे आपको प्लेसमेंट में बहुत हेल्प मिलने वाला है। जैसे UPS की बात कर लूँ, जो कि देहरादून में, वहाँ पे आपको एडमिशन लेते हो तो इजिली आपको एवरेज पैकेज वहाँ का 10 लाख रहता है। तो ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटी है इंडिया के अंदर जहाँ पे आप एडमिशन लेते हो, कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से बेटर वहाँ का रैंकिंग भी है और प्लेसमेंट भी है, और वहाँ पे एक अच्छा एक्सपोजर भी देखने को आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था। नेक्स्ट वीडियो में हम अदर अदर कॉलेज का डिटेल लेकर आ रहे होंगे, तो मेक श्योर सब्सक्राइब करना यहाँ तक। अगर आप वीडियो को देख रहे हो तो लाइक करके जाना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।